और नागौर में संबोधित कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। हमारे लोकप्रिय कांग्रेस उम्मीदवार हरि भाई बिना वरिष्ठ नेता कृष्णमुरारी गंगावत जी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष भाई जुली साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट राजनी गढ़ुआ जी, राजेंद्र व्यास जी प्रभारी, रामकृष्ण जी मीणा साहब, दुरी चंदी मीणा साहब, मीणा जी, दिलीप मिश्रा जी, अजीत सैनी जी, हट्टीराम जी सैनी, बीपी मीणा जी, डॉक्टर सर्वेश सैनी जी, राहुल मीणा जी, शीला मीणा जी, यादव लोचन जी, मोतीलाल जी माल, छुटमल जी खान, राधेश्याम जी मीणा, एन एल वर्मा जी, गंगा जी वर्मा, पूर्ण जयपुरिया जी, मीणा साहब अध्यक्ष सरपंच संघ, छोटेला जी गुजर, दौरे खान जी, जगदीश जॉनसन जी, कई नेता बैठे हुए यहाँ पर, सबका सम्मान करते हुए बुजुर्गों भाई और बहनों नौजवान साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि राजगढ़ में मुझे आप सबके दर्शन करने का पुनः सौभाग्य मिल रहा है। राजगढ़ के क्षेत्र के मेरे से भी काफ़ी लंबा रास्ता हो गया, अब तो आपका और जौली भाई का हमेशा प्रेम रहा है, प्यार रहा है, स्नेह रहा है, भाईचारा रहा है। इतना चुनाव भी नहीं जीत पाए, बहुत कम वोट हार गए थे, पर ये ऐसे कार्यकर्ता है। जब प्रधान थे और मैं जिला प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, तब से मैं इनको जानता हूँ। यही तो इनका शरीर बना हुआ, मैं भी शरीर बना हुआ पहले भी, ना मोटे ना पतले हो, कैसे बने हैं। अरे नारे भाई नहीं, ये जाना भी है, नारों ने टाइम कम कमा दिया मैंने बोल जाए तो। ये ऐसी शरीर के मेरी तुरंत मेरे भी ऐसे, इनके भी ऐसे, दोनों एक मायने के लोग हैं, हम लोग दोनों एक मायने के। तो आप कल्पना कर लो ऐसा आदमी आज आपके सामने खड़ा है। राहुल गांधी जी ने सोच समझ करके इनको टिकट दिया है। आपसे अपील है, कोई कमी मत रखना, जितने ही बुजुर्ग माताएं बहने भाई लोग बैठे हुए हैं, नौजवान साथियों से विशेष मेरा आग्रह है कि राहुल गांधी के आह्वान पर जिस प्रकार से उन्होंने पूरी फिजा बना दी राजस्थान के अंदर चुनाव जीतने के लिए घूम घूम करके, और ऐसा माहौल बन गया है, मैं जहाँ जा रहा हूँ, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, कल मैं कोटपूतली में था, नागौर गया, उसके पहले भीलवाड़ा गया, शाम को दूसरा गया, मैं सिकराय गया, सब जगह एक सौ माहौल है। कांग्रेस बहुत भारी बहुमत में जीत रही है, ये मैं कहना चाहता हूँ आपको। और आपको मैं आभार करूँगा, जोली भाई को आप लोग कामयाब करो, इनको जिता के भेजो, और ये मैं अपने वादा करते हैं, इनके चुनाव जीतने के बाद में सरकार बनेगी तो राजगढ़ की समस्या में कोई हल होगा और विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे, ये आपसे वादा करना चाहते हैं। जो जवाहरलाल मीणा कहेगा वो सब काम सरकार करेगी। पहले मेरा जब मुख्यमंत्री था तो आपको शायद मालूम नहीं होगा, क्योंकि आपके यहाँ तो दूसरा जीत के चले गए थे, वो सब लंबी बात है। मैं इतना कहूँगा कि राजस्थान भर में जो MLA थे उन्होंने जो काम किया, MLA काम मानता मानता थक गया, मैं मुख्यमंत्री रूप में काम देता जब थका नहीं है, मैं वादा कर सकता हूँ। अब मैं कहना चाहूँगा, वसुंधरा जी जो है बहुत भारी बहुमत लेके आई थी पिछली बार, उनका व्यवहार अच्छा नहीं रहा जनता के साथ में। 10 साल मुख्यमंत्री रही वो, कभी भी सेक्रेटर में रुकने का नाम नहीं उनका 10 साल। कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जो जिले में आता है, गांव का गरीब आदमी जाता मान लो कोई समस्या लेके, तो पता पूछने की जरूरत नहीं होती, कहाँ मिलेंगे सेक्रेटर, हमारा पता इससे ही पता होता है नेताओं का, मंत्री हो या मुख्यमंत्री। ये एकमात्र मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में है 10 साल में या तो बड़ी होटल 5-6 तरह होटल के लाते वहाँ, या 1,50,000-80,000 किराया होता है एक रात सोने का वो, और या बड़े बड़े महलों में रुकी है, कभी भी जनता से मिलने के लिए सेक्रेटरी में पधारने का कष्ट नहीं किया है, ये मैं कहना चाहता हूँ।
जनता से जनसुनवाई करी नहीं, मिली नहीं, आप कल्पना करो अगर मुख्यमंत्री ये व्यवहार करेगी तो उनके मंत्री फिर क्या करेंगे। बीजेपी दफ्तर बैठ गए, दाढ़ी चार का हथियार बन गया, कोई बढ़ गया हो स्थायी अस्थायी ज्ञापन लेके गया हो, पुलिस ने दाढ़ी चार वापस किया। मैं पूछ रहे तो वसुंधरा जी से कि ऐसा व्यवहार आपने क्यों किया, जनता पूछे हमारा कसूर क्या है, हमने आपको इतिहास में तबों में किसी को नहीं दिया, वो आपको दिया था, फिर भी आपने जनता दूरी क्यों बनाए रखी, हवाई यात्रा करती नहीं, काम हम कुछ किया नहीं, उल्टे हमारी जो योजनाएं थी दवाइयों की थी, खाद्य सामग्री की थी, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लागू की, सोनिया गांधी ने लागू करी, सरकार आते ही नाम काट दिए, आधे नाम काट दिए, पूछो क्यों काट दिए, और जिनके नाम रखे उसमें 25 लाख परिवारों को आज भी गेहूँ 2 रुपये किलो नहीं मिल पा रहा, इसलिए पोस्ट मशीन लगी हुई है, अगूटा घिस जाता है, मिलान होता नहीं है, और लोग गेहूँ से वंचित दे रहे 2 रुपये किलो वाले बता दीजिए आप, ये स्थिति है। तो ये क्यों बनी स्थिति, दवाई मैंने पशुओं की फ्री कर दी थी, वो इसकी वहाँ पता नहीं, इतनी अच्छी जी योजना लेके आए थे उन्हें कोई ऐसा पता नहीं, और ये कभी होता नहीं है, रिफाइनरी लेके आया मैं पूरे रास्ता का भला होता, 5-5 बार में तेल निकल गया था, वो भी ठप कर दी, मेट्रो ठप कर दी, एक बांध बना सिंचाई के लिए हड़ौती में वो ढीले कर दिया उसको, वो फैक्ट्री आ रही थी भीड़ा के अंदर, करौली जुड़ रहा था टोंक रेल से, विकास हो रहा तेज गति से राजस्थान का, रेल जुड़ती बांसवाड़ा डूंगरपुर रतलाम से, क्यों बंद कर दिया भाई, मैंने कभी कोई काम बंद नहीं किया, कोई सरकार के जब मैं दूंगा मुख्यमंत्री मैंने कहते शेखावत साहब थे तो वसुंधरा खुद वसुंधरा चुनाव हार गए लास्ट टाइम, मैंने कोई काम आगे बंद नहीं किया, उन्होंने हमारे कोई काम चालू नहीं रखे, पिछली सरकार को श्रेय मिल जाएगा, लेकिन इतनी छोटी सोच हो उनको क्या नैतिक अधिकार शासन करने का बता दीजिए आप लोग। और मैंने कहा सरकार इस बार वापस हमारी बनेगी, वसुंधरा जी आप जो आज काम छोटे मोटे जो भी कर रही हो, हम आपकी तरफ सोच वाले लोग नहीं है, हम उन सब कामों को चालू रखेंगे, ये मैं वादा करता हूँ आप लोगों के करने का। ये फर्क है कांग्रेस और बीजेपी की सोच के अंदर, ये सोच है कांग्रेस विकास में विश्वास करती है, ये नेगेटिव सोच सकते हैं, दुश्मनी निकालते हैं, भेदभाव करते हैं, करप्शन की हदें पार हो गए, बजरी ने डुबा दिया राजस्थान को, बजरी माफिया पैदा हो गए, करोड़ों रुपए कमाए ऊपर से पहुंचाए सरकार को, अब खनन